और 18 नेपोलियन से लेकर के पिछले वीडियो में 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को चित्त परिचित कराना चाहते हैं जो कि यूरोप में राष्ट्रवादी जिस समय आंदोलन चल रहा था वहाँ उन लोगों का प्रमुख रोल था, उन्हीं के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति हैं मेजिनी। मेजिनी जिनका जन्म 22 जून 1805 को और मृत्यु 10 मार्च 1872 को हुआ, ये एक साहित्यकार थे। फिर इनके बारे में थोड़ा डिटेल से आगे देखेंगे, एकीकरण जब पढ़ेंगे तब। साहित्यकार थे। एक व्यक्ति हैं हिग्गे जिनका जन्म 27 अगस्त 1770 को हुआ था और मृत्यु 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के दिन ही मर गए थे हिग्गे जी, 14 नवंबर 1831। और ये जर्मनी के थे हिग्गे दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, दार्शनिक थे। एक है व्यक्ति बिस्मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क जिनका जन्म 1 अप्रैल 1815 को और इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1848, बहुत कम उम्र में मर गए। फिर एक आगे हैं आपका काउंट काबूर का जन्म वगैरह तो नहीं पूछता है और जन्म टाइम का डिटेल्स भी नहीं है। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था काउंट काबूर को। और ये भी इनका मुख्य इटली के एकीकरण में था। इसके बाद है आपके गैरिबाल्डी जो पेशे से नाविक। यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो पेशे से नाविक थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1807 को हुआ था और मृत्यु 2 जून 1872 को हुई थी। इन्होंने इटली के सिसिली स्टेट है, फ्रांस सिसिली
तथा नेपल्स पर अपना अधिकार स्थापित किया था, स्थापित किया था। ये आपके थे गैरी वाल्डी। जर्मनी का एकीकरण, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जर्मनी एक यूरोपीय देश है और जर्मनी राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए यानी कि बृहद राष्ट्र बनाने के लिए उसको क्या किया गया था, एकीकृत किया गया था। कई स्टेटों में जो विभक्त था जर्मनी उसको मिलाया गया था। इसके लिए मैं ये भी बताऊं कि भारत में पहले कई स्टेटों में विभक्त था, आज जैसा नहीं कि आज भारत में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित, 7 नहीं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सभी का मतलब कि मिला करके एक देश का निर्माण हुआ है भारत। और यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई राज्य चाहेगा कि नहीं हम अपना अलग एक देश अपना संविधान बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा पर एक ही संविधान लागू है, वह भारतीय संविधान है और पूरा सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत कहा जाता है। तो जर्मनी भी क्या था कि छोटा छोटा राज्यों में विभक्त था, छोटा छोटा राज्यों में विभक्त था तो वे सब क्या करते थे कि आपस में आए दिन अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। वहां पे अस्थिरता का माहौल था जिससे वहां की जनता नाखुश थी, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे वे सभी परेशान थे कि हम अपने आपस में क्या है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हैं जिससे बाह्य आक्रमण का भी डर रहता है, कोई भी हम पर क्या करता है कि अशांति का फायदा उठा करके चला जाता है। तो जर्मनी को एकीकृत करने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया गया, जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा विरोधी कौन था, इन सभी चीजों को एक बार देखेंगे और लिख लेंगे पहले, उसके बाद फिर से समझेंगे। तो आप अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए, जर्मनी का एकीकरण लिख करके डैश दीजिए। यह थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट, जर्मनी का एकीकरण लिखिएगा। बिखरे हुए जर्मन राज्यों को जोड़कर सर्वप्रथम नेपोलियन ने जर्मन राज्य संघ का निर्माण 1806 ईस्वी में किया था। जर्मन राज्य संघ का निर्माण 1806 ईस्वी में किया था। परंतु यह संघात्मक ढांचा अधिक दिनों तक नहीं रह पाया। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण का प्रयास फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में किया गया, परंतु वहां भी असफलता ही हाथ लगी।
पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख विरोधी ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस था। अब यहां पर थोड़ा रुकिए, एक आपको बोर्ड में क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण के विरोधी देश कौन थे या जर्मनी के एकीकरण का विरोधी राष्ट्र कौन थे, तो वहां पे इस क्वेश्चन को आप यहां से बीच में से उठा करके लिख सकते हैं। जहां शॉर्ट क्वेश्चन होता है वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं पूरा जर्मनी का एकीकरण, यह 5 नंबर का होगा। लेकिन यदि 2 नंबर का क्वेश्चन यदि बीच से सवाल आपको कर देता है तो आप वहां से समझ करके और लिख सकते हैं था। अब आगे नाउ स्टार्ट, फिर से लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसने सन 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क को पराजित किया। देखिए ऑस्ट्रिया क्या था, उसका विरोधी था, लेकिन वह ऑस्ट्रिया से ही संधि किया और किसको पराजित किया, डेनमार्क को। आगे लिखिए, उसी प्रकार 1866 में फ्रांस और विक्टर इमैनुअल से संधि कर विक्टर इमैनुअल कहीं कहीं वह भी रहता है, विक्टर इमैनुअल से संधि कर 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया। और यहां पे 1866 को आप अंडरलाइन कीजिएगा और सेडोवा का युद्ध भी अंडरलाइन कीजिएगा। और सेडोवा के युद्ध में किसको हराया, ऑस्ट्रिया को। थोड़ा पहले समझ लीजिए, पहले क्या किया कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की मदद से किसको हराया, डेनमार्क को हराया। फिर क्या हुआ कि 1866 में फ्रांस और विक्टर इमैनुअल की मदद से सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, तथा पुनः इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर तथा जर्मन राज्यों में राष्ट्रवादी भावना को भड़काकर 1870-71
में फ्रांस को सूडान के युद्ध में हराया। सूडान या कहीं कहीं सेडान भी रहता है, युद्ध में हराया। इस प्रकार अंततः 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब यहां पे फिर से अब समझ लीजिए क्या हुआ कि शुरुआती दौर में जर्मन कई राष्ट्रों में विभक्त था, छोटे छोटे कई राज्यों में बटा हुआ था, जिससे वहां अशांति का माहौल था। सभी राजा क्या चाहते थे, अपना अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, जिसके लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी को देखते हुए सबसे पहले वहां पे एकीकरण करने का प्रयास कौन किया, नेपोलियन ने किया था। लेकिन आप लोगों को पता है कि अंत में नेपोलियन का क्या असर हुआ, 1814 में वह हारा, फिर 1821 में जेल में ही मर गया। वहां पे फिर से नेपोलियन का यह जो प्रयास जो था वह असफल रहा, ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। इसके बाद वहां पे क्या किया गया कि एक फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा एकीकृत करने का प्रयास किया गया, जो कि असफल रहा। फिर बिस्मार्क महोदय आए, और बिस्मार्क का बहुत ही अहम रोल रहा जर्मनी में, और इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह से आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा कि रक्त और लौह, मतलब लौह का मतलब ही होता है हथियार उठाओ, और अपनी स्वतंत्रता, अपनी एकजुटता के लिए लौह बहाइए, यानी कि रक्त की होली खेलिए। और इस तरह के नीति को अपनाते हुए उसने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल जैसा एकक करके अपने विरोधी राष्ट्रों को परास्त किया। पहले उसने क्या किया कि डेनमार्क को हराया ऑस्ट्रिया की मदद लेके, फिर क्या किया कि फ्रांस और इमैनुअल की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया 1866 में। फिर उन्होंने क्या किया कि अंत में फ्रांस को भी पराजित किया, और फिर वहां फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी को 1871 ईस्वी में एकीकृत किया। अब आगे आप लोग देखिए, इसी प्रकार का एकीकरण एक और पढ़ना है आपको, इटली का। तो इटली का एकीकरण लिख करके अभ्यास दीजिए। इटली का एकीकरण लिखते चलेंगे, वो इसी प्रकार से समझते चलेंगे। नाउ स्टार्ट लिखिए। इटली का एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास मेजनी के द्वारा किया गया। मेजनी साहित्यकार कौमा गणतंत्रात्मक विचारों का समर्थक था। उसने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक गुप्त संगठन, यंग इटली नामक गुप्त संगठन
बनाया जो गुरिला युद्ध करने में योग्य थे। इसके अलावा मेजनी एक योग्य सेनापति भी था। परंतु ऑस्ट्रिया के कारण वह इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। अब यहां पे थोड़ा समझिए क्या हुआ था वहां पे कि बिस्मार्क बहुत ही कूटनीतिज्ञ के साथ साथ देख रहे थे कि कैसे एक एक करके सभी राष्ट्रों को हराया और मतलब कि एकीकरण करने का प्रयास किया। मेजनी वैसा नहीं था। मेजनी चाहता था हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही एकीकृत कर देंगे इटली को। जिसके कारण वह क्या होता था, कई बार युद्ध में जाता था और वहां उसको हार की सामना करना पड़ता था और उधर से टंगा टंगा के आ जाता था, क्योंकि यह किसी से सहायता ही नहीं लेता था। यह भी बहुत अच्छा सेनापति के साथ साथ गुरिला युद्ध छुप करके युद्ध करने वाले सेना को तैयार करता है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिया के कारण उसकी सारी योजना विफल हो जाती है। अब आगे लिखिए, इटली के एकीकरण का दूसरा प्रयास काउंट कावूर ने किया। उसने कूटनीति और युद्धों का सहारा लेकर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। जिसमें ऑस्ट्रिया को पराजित करने में उसकी सहायता फ्रांस ने की थी। परंतु दुर्भाग्यवश अठारह सौ बासठ ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और एक बार, वह ऑस्ट्रिया को पराजित नहीं कर पाया था, सुधार लीजिएगा, ऑस्ट्रिया को पराजित करने का प्रयास किया, परंतु क्या होता है कि इसी दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के कारण उसकी यह योजना विफल हो जाती है, नहीं तो यदि वह रहता तो एकीकरण उसी समय कर दिया होता, क्योंकि वह बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। आगे लिखिए, इटली के एकीकरण का तीसरा प्रयास गैरिबाल्डी ने किया। सर्वप्रथम गैरिबाल्डी ने इटली के
सिसिली एवं नेपल्स प्रांत को सिसिली एवं नेपल्स नेपल्स प्रांत को जीतकर विक्टर इमैनुअल को सौंप दी। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। काउंट कावूर के मृत्यु के बाद सार्डिनिया पिटमांड सार्डिनिया पिडमांड के शासक विक्टर इमैनुअल ने प्रसा के साथ समझौता कर फ्रांस पर हमला किया, जिसमें फ्रांस को प्रासा और पिडमांट दोनों से पराजित होना पड़ा। इस तरह फ्रांस के पराजित होने से पोप अपने आप को महलों में कैद कर लिया। अंततः सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो पाया। अब यहां पे आप लोगों को पोप समझना चाहिए। पोप क्रिश्चियन धर्म वाले लोग अपने पुजारी को पोप कहते हैं, और वहाँ पे फ्रांस में पोप लोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। आज भी देखते हैं मौलाना लोगों का बोलबाला इस्लाम में होता है, हिंदू में भी कुछ ब्राह्मण लोगों का होता है, जो कि समय के अनुसार धीरे धीरे घटता जा रहा है, लेकिन उस समय पोप का वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जब पोप ही अपने आप को हरा हुआ महसूस करने लगते हैं, तब जाकर के इटली का एकीकरण हो पाता है। यानी कि कहें कि अंततः तौर पर इटली का एकीकरण कौन किया अंतिम रूप से, तो गैरिबाल्डी। और गैरिबाल्डी क्या था, पेशे से नाविक था। इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। अब आगे लिखिए एक और लॉन्ग क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिए यूनान अपने गौरव मई इतिहास के लिए जाना जाता है। वहां के साहित्य विचार दर्शन कला चिकित्सा
विज्ञान अन्य देशों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यूनान 15वीं सदी से तुर्की के अधीन था। वह भी किसी का गुलाम था, वो किसका? तुर्की का। तुर्की के अधीन था, अतः यूनान से निर्वासित लोग एवं पाश्चात्य लोग पश्चिमी के लोग, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी के लोग, पाश्चात्य लोग राजनीतिज्ञ विद्वान कलाकार कौमा दे देकर तो लिखिएगा, विद्वान कलाकार इत्यादि तुर्की का विरोध कर रहे थे। पैराग्राफ चेंज कीजिए, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम 1821 ईस्वी में एलेक्जेंडर चिप्सिलांटी नाम है, एलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में शुरू किया गया। जिसमें इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड वायरन ने यूनान में युद्ध के लिए धन इकट्ठा किया। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, सन 1827 ईस्वी में एक सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। जिसमें तुर्की के खिलाफ संयुक्त सेना के द्वारा हमला करने की योजना बनाई गई। इस तरह संयुक्त सेना के प्रयास से तुर्की एवं मिस्र की सेना तुर्की एवं मिस्र की सेना
नावारिनो, नावारिनो की खाड़ी में, नावारिनो की खाड़ी में पराजित हुई और इस प्रकार 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और इसमें आपको मेन नाम आपको याद करना है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी ने वहां का नेतृत्व किया था। यूनान को स्वतंत्रता तुर्की से और मिस्र से कब मिला, तो 1832 ईस्वी में मिला। और यहाँ पे आप लोगों को जो दो लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाए हैं, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना भी कहा जाए कम है, कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर पे, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। पहला है आपका कि इटली एवं, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, कई बार कोर्ट में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको यहाँ पे टिक आउट भी किया हुआ है, यूरोप में। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो आप देख रहे हैं बुर्बो वंश। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन की स्थापना करता है मेजनी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रिया, देखें आप लोग कि इटली का एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था, जर्मनी का एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था। इसके बाद है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर सुशोभित किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया था। इसके बाद गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो वह एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो हम बोले थे कि सर्वप्रथम जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास किसने किया था, नेपोलियन ने, तो यहां नेपोलियन बोनापार्ट। इसके अलावा है कि जालवेरिन एक संस्था थी, तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। फिर है क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, तो बिस्मार्क ने अपनाया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 में, और फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फिर है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यूनान का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। 1829 ईस्वी में एड्रियान पोल की संधि किस देश के साथ हुई, तो तुर्की के साथ। इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव, फिर इधर मिलान करने वाला भी है, आप लोग हम आशा करते हैं कि स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, जो है उसको आप लोग मिलान कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इस प्रकार आपका क्या होता है कि लगभग यूरोप का राष्ट्रवाद खत्म होता है। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए हम आज कुछ बोर्ड में वैसे क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के, इसमें ऑब्जेक्टिव उसका नहीं है लेकिन फिर भी बोर्ड में पूछा है, वैसे क्वेश्चन भी आज ढूंढे थे। वैसे प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार से है, हम बोल देते हैं। एक है कि किसने कहा था फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लगता है, यह बोर्ड में पूछ चुका है, बहुत कम बार पूछा है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा था फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लगता है, यह मेटरनिक कहा था।
एक है कि लाल कुर्ती रेड शर्ट की स्थापना किसने की थी, पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो गैरिबाल्डी। एक और क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज तो तुर्की को कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजिनी ने किया था। बिस्मार्क क्या थे, तो एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। देखे थे किस प्रकार से कूटनीति के माध्यम से एक करके सभी देशों को हराया और जर्मनी को एकीकृत किया। एक है कि क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यह भी पूछा था। एक और क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है, एक बार बोर्ड में पूछा है, हंगरी देश है, एक हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट है, तो बुडापेस्ट ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी है, एनसीईआरटी में भी, हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट है। तो पूछा है कि हंगरी की भाषा क्या है, तो मैग यार। एक क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन तो आपको पता ही होगा 1815 में, फ्रांसीसी क्रांति तो 1789 में, और एक क्वेश्चन पूछा है डायट क्या है, डायट तो जिस प्रकार भारत में पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, उसी प्रकार जर्मनी के संसद भवन को डायट कहा जाता है। और आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में एक बार थैंक्स जरूर कहें, या फिर हमसे जो कमी या फिर कुछ त्रुटि रह गया है तो हमें प्लीज सजेस्ट करें। थैंक यू।